यहीं से सवाल एक छोटा सा जहन में आ गया है, जो टैक्स की बात इन्होंने की है, तो ये जो सेल्स टैक्स हैं, ये सारे मामला जो हमारे माशरे में जारी हैं, इस पर क्या हुक्म है और इसके लिए किस तरह देखा जाए? टैक्स के अंदर देखें जी, जहाँ तक तो हुक्म शरी है ना, अगर तो ज़रूरत हो तो हाकिम वक़्त टैक्स का तकाजा कर सकते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ हालात हैं, ठीक है। अदरवाइज इस्लाम टैक्स पर अवाम को ये नहीं कहता कि वो उसको देंगे, यानी फोर्स करना ये जायज नहीं है। टैक्स का निज़ाम इस्लाम कहता है ज़कात की तरफ आओ, खुम्स की तरफ आओ, उशर की तरफ आओ, जो इस्लाम ने हमें लाज़िम किया जिज़िया की तरफ आए। टैक्स तो जारी बात तसव्वुर होते ही गैर मुस्लिम के लिए है, मुसलमानों पर यह लाजिम है। बाकी अगर हकूमत में कोई मामला है, कोई जरूरत है किसी चीज के लिए, तो फिर हकूमत उसके मुतालबे पर आवाम को देना पड़ता है। देना मैं ये छोटी सी बात कर दूं जो आप अभी बात कर रहे थे, जी जी। अगर तो किसी बंदे के साथ उसका पहले से तोहफे का तबादला चल रहा है, ठीक है, तो फिर तो तोहफा देना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ना कभी जिंदगी में इसने तोहफा दिया ना उसने लिया, ये अपना काम करवा के उसको तोहफा दे रहा है, वो जो भी नीयत कर ले वो रिश्वत में ही आएगा, वो फिर तो बनता ही नहीं है ना। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा जिसको कर्जा देते हैं उसके मकान के साए में नहीं खड़े होते, आप फरमाते मैं साए में खड़ा, जान पहचान ही नहीं है किसी से, नहीं है, तो आप फरमाते, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में भी तोहफा हमें नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो रिश्वत में ही आ रहा है, या तो उसका पहले से सिलसिला चल रहा हो ना तोहफे के तबादले का, उसको बताकर वैसे पेश कर दिया जाए कि ये आपको मेरी तरफ से तोहफा है, मतलब बताकर, तो वो भी उसी जरिए, एक बंदे ने काम कर दिया, अब काम करने का इवज वो पैसा तोहफा गिफ्ट कोई नाम दे के दे दे, ठीक है, चीज तो रिश्वत ही है ना। अच्छा, क्योंकि काम जो किया है तो बंदा, हाँ, किसी को कोई काम करवाने पर बंदा खुशी से कह देता है कि चलो मैं, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत चलता है कि मैं आपको हज या उम्रे की सादत, मतलब मेरी जानिब से कोई भी देखें, अगर तो ये सिलसिले पहले चल रहे हैं, तोहफे का तबादला होता है, अच्छा, तो फिर तो देना चाहिए। सारी बात है, एक दोस्ती प्यार मोहब्बत सब कुछ है, एक मोमिन ने वैसे किसी के साथ अगर उसने सलूक किया है तो मुनासिब ही है कि फिर उसने सलूक की बुनियाद पर वो ये कह के तोहफा है दे दे, और वो ये समझे कि इसने मेरे काम का ही मुझे इफ़ज़ाना दिया है, तो ये मुनासिब नहीं है। काम जो उस बंदे का हक था उसने किया, वो ड्यूटी कर रहा है दफ्तर में बैठ के, उसके पैसे गवर्नमेंट से ले रहा है, उसका हक था कि वो करे, जब वो अपनी ड्यूटी के पैसे ले रहा है उस पर इजाफा क्यों लिया? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इल्म में ये बात आई, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु लोगों से तोहफे लेते हैं, आपने उनको बुलाया, आपने फरमाया ये तोहफे लेते हो तो बैतुल माल में जमा कराओ, अर्ज किया ये तो मुझे दिए जाते हैं, फरमाया आज के बाद तुम माजूल हो, ये बकरियां पकड़ो जाओ जाके जंगल में चराओ। कुछ दिन बाद आप गए तो वो वहां बकरियां चरा रहे थे, आपने उमर फारूक ने पूछा हाँ भी कितने तोहफे तुम्हारे पास आ गए, वो रो पड़े, कहा जी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। फरमाया जो तुम्हें तोहफा मिलता है वो तुम्हारा हक नहीं है, वो बैतुल माल का हक है, लिहाजा वहां जमा करवाया जाए, वो तुम्हारा जाती हक नहीं, क्योंकि तुम्हें एक मनसब दिया गया, मनसब उस मनसब की वजह से तुम्हें लोग देते हैं, ठीक, तो वो तुम्हारा हक नहीं होता, वो बैतुल माल का हक होता है, और आपने इस बात की तलकीन बकायदा फरमाई। बिल्कुल ठीक है करीम साहब, आखिरी लम्हात हैं बिल्कुल प्रोग्राम के, तो मैं उससे कबल मैं अभी आता हूँ आपकी तरफ बयासन साहब, मैं चाहूंगा करीम साहब के यकीन जिस तरह आपने सरबराह मुमलकत की भी बात की, तमाम देखने वाले सुनने वाले जो हमारे प्रोग्राम देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, आज के टॉपिक आज के मौजू के एतबार से आप जो हमारे उलमा हमारे सरों के ताज हैं, यकीनन आप लोग भी मनसब पर फाइज हैं, तो अपने जानिब से हमारी मतलब उलमा की तालिब इल्म की अवामुन नास का क्या कदम हो कि हम इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर सकें, मैं चाहूँगा इसमें आप अपना पैगाम पेश करते हैं। इसके लिए हर बंदे को अपनी ज़ात से लेकर अपने मामलात में हर हर मकाम पर उसको करप्शन की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, ठीक, हम अपनी ड्यूटी वक्त पर दें, अपने मामलात को बेहतर अंदाज में करें। इंसान अपनी जात से शुरू करता है, अपने घर से शुरू करता है, जिस वक्त वो घर में अदल इंसाफ को अपनाएगा, घर के अंदर कोशिश करेगा कि किसी के साथ चीटिंग ना करे, मोहल्ले में किसी के साथ चीट ना करे, अपने मुआशरे में रहते हुए लोगों के साथ चीट ना करे, जिस वक्त वो इन तमाम चीजों को खुद अपनाता जाएगा मुआशरा खुद ब खुद बेहतर होता जाएगा। उलमा अपने फर्ज में उन सभी का हक अदा करते हुए हक बात जुबान से कहें, और यही कहना तो जिसको बकायदा तौर पे जहाद अकबर का नाम दिया गया उनको अपनी बात अपनी बुलंद करनी चाहिए, जिस जिस मकाम पर इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जहां कहने का मौका मिले अपनी आवाज को बुलंद करना और बदउनवानी को खत्म करना, करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए आवाम की इसलाह की जरूरत है। हर बंदा बुराई को देखे और अपने दर्जे को देखे, अगर हाथ से रोक सकता है तो हाथ से रोके, जुबान से कह सकता है तो जुबान से कहे, वगरना कम से कम छोटा दर्जा तो यही है अपने दिल में तो बुराई को बुरा जाने, अगर ये भी नहीं होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़ालिका अदफुल ईमान, दिल में बुरा जानना सबसे छोटा दर्जा है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इंसान को बुराई खत्म करने का कुछ ना कुछ जज्बा अपने दिल में जरूर रखना।